क्या चाह रहे हैं कि जो धंधा साइड में लग रहा है वो सड़कों पर लगे, उनको रमजान से पहले सिस्टम बनाना चाहिए। पुलिस ने साफ कहा था कि हम रमजान के महीने में सड़क के किनारे धंधा नहीं लगाने देंगे। मुसलमान जाओ किधर, धंधा नहीं करने का बोलो। अभी उनका धंधा बंद करा दिया गया, वो कहाँ जाके धंधा लगाएंगे? जिसका जिसका प्रोट भरा तो धंधा कर। पुलिस से और TMC से मिलकर इसका मसला हल किया आप लोगों ने। TMC पहले बना करके दे दे, हमारी ईद नहीं होएगी, हमारे बच्चे नहीं खाएंगे, तो हम लोगों को भी तो थोड़ी तकलीफ होती है। हर महीने की तरह ये महीना नहीं है ना। क्या मुसलमान ने धंधा नहीं कर सकते इधर? अगर इधर ट्रैफिक होगी तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? अस्सी टक्का मुमरा में ट्रैफिक कंट्रोल हो चुका है, रोड चौड़ा हो चुका है, वो मित्तल ग्राउंड मार्केट है, वो बड़ा स्कैम है। वो किसी को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। 7 लाख रुपया 8 लाख रुपया का खर्चा आ रहा है, पैसा क्यों दिया जा रहा है? TMC और पुलिस प्रशासन का काम आपको क्या पसंद नहीं आ रहा है क्या? इस तरह TMC या पुलिस प्रशासन करती है तो आवाम को तकलीफ होती है ना। कहाँ रोजा रख करके कितनी दूर जाएंगे अफ्तारी खरीदने के लिए? तो क्या ऐसा हमेशा ही रहेगा क्या? यहाँ की मुसीबत वहाँ चली गई, पूरे साल की कमाई का मामला है। तो हम लोग पालक मंत्री से मिलेंगे। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। जैसा कि हम आपको बता दें कि रमजान शुरू होने के पहले TMC और मुमरा पुलिस की तरफ से ये मीटिंग लिया गया था, कहा गया था कि इस बार जो है सड़क के किनारे किसी भी तरह का धंधा लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके बावजूद जो है यहाँ मुमरा शहर में जो तार बेचते हैं, जैसे सेब फ्रूट वगैरह जो बेचने का कारोबार करते हैं, उनको भी रोड के किनारे कहीं भी धंधा लगाने नहीं दिया गया है। पुलिस की तरफ से बार बार ये हवाला दिया जा रहा है कि धंधा लगाने की वजह से ट्रैफिक की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन इसके बावजूद जो है जमीतुल उलमा हिंद के जो सदर हैं मौलाना वहाब कासमी, उनके पास लगातार लोग शिकायत लेकर आ रहे हैं कि हमें सड़क के किनारे धंधा लगाना है। हम उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर किस तरह की उनके पास शिकायत आई हुई है। जो रमज़ान में जो अपना बिजनेस लगाते हैं, रमज़ान का महीना होता है पूरा, लोग इसमें अपने ईद के लिए ख़रीदारी करते हैं, इफ्तारी की ख़रीदारी करते हैं, तो एक बात मुमरा में बहुत ऐसे लोग हैं जो रमज़ान का इंतज़ार करते हैं कि जब रमज़ान शरीफ आएगा तो हम धंधा करेंगे और इससे हमारे बच्चे पलेंगे, और एक महीने के धंधे से उनका पूरा साल चलता है, उनके बच्चों की फ़ीस उसी में दी जाती है, उनके बच्चों को खाना पीना उसी में होता है। तो ये लोग आस लगा के बैठते हैं कि जब रमज़ान आएगा तो हम धंधा करेंगे। तो हम लोगों के पास भी आए लोग, बोले कि हम लोग रमज़ान में यार कपड़ा वगैरह ख़रीद के लाए थे, अभी लगता है कि मौलाना साहब हम लोग धंधा नहीं कर पाएंगे। अगर शिकायत आपके पास कुछ दुकान वाले आए थे लेकर, तो आपने क्या इसको लेकर किसी TMC से या स्थानीय प्रतिनिधि या किसी नेता से कुछ मुलाकात की है इसको लेकर? अभी तो मुलाकात नहीं की है, लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि भाई इन लोगों का इतना बड़ा मसला है, इनके पूरे साल की कमाई का मामला है, तो हम लोग पालक मंत्री से मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि साहब हर साल यहाँ पे लोग अपना बिजनेस करते हैं, ईद की ख़रीदारी लोग उन्हीं से करते हैं जिससे उनकी रोटी रोजी चलती है हर साल। आप क्या चाह रहे हैं कि जो धंधा साइड में लग रहा है वो सड़कों पर लगे? वो सड़कों पे लगे इस हिसाब, ऐसा नहीं कि पूरी सड़क जाम हो जाए, जैसे पिछले साल जो लोग लगाए थे ट्रैफिक का भी मसला नहीं होता था और लोगों की रोटी रोजी भी चल जाती थी। इसी तरीके से अभी तो रोड भी चौड़ा हो गया है, लोगों को एक किनारे का एक हिस्सा दे दिया जाए। TMC और पुलिस प्रशासन का काम आपको क्या पसंद नहीं आ रहा है क्या? TMC और पुलिस प्रशासन का काम सबको पसंद आएगा अगर वो कायदे से करेंगे तो। अगर ये जो अभी रमज़ान, ख़ास कर रमज़ान महीने के अंदर अगर इस तरह TMC या पुलिस प्रशासन करती है तो आवाम को तकलीफ़ होती है ना। आवाम की तकलीफ़ है और इनका काम है, तो आवाम की तकलीफ़ को तो आदमी पहले ही देखते हैं, पहले ही देखा जाता है। और TMC और पुलिस प्रशासन का कहना है कि हम आवाम की तकलीफ़ को देखते हुए जो है धंधा सड़क पर नहीं लगाने दे रहे हैं, इसकी वजह से ट्रैफिक जाम होती है। देखो मेन रोड पर वो लगाने नहीं दे रहे हैं, आजकल सारे ठेले वाले गलियों में जा रहे हैं, जो लोग गाड़ी लेके अपने घरों पे जाते हैं वो 15-15 मिनट गलियों में खड़े रहते हैं। यहाँ की मुसीबत वहाँ चली गई, ये कहाँ का है? या तो वहाँ भी रोका जाए, यहाँ भी रोका जाए, यहाँ भी क्लीन रहे, वहाँ भी क्लीन रहे, तब ना अच्छा रहेगा, तब ना ऐसा लगेगा कि हाँ ये पुलिस अहलकार और TMC के लोग चाह रहे हैं कि ये ट्रैफिक ना रहे। नहीं, आप अगर कह रहे हैं कि जो है गलियों का धंधा जो ऐसे गलियों में बता रहे लग रहा है, तो क्या वो धंधा आप चाह रहे हैं कि सड़कों पर आ जाए? अगर इसे ट्रैफिक होगी तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? सड़कों पे आ जाए नहीं, पूरा रोड जाम करके नहीं, सड़क इतनी चौड़ी बनी हुई है हर ट्रैफिक जाम होगी तो फिर उसके लिए आप क्या करेंगे? ट्रैफिक अहलकार हैं,
ट्रैफिक अहलकार अगर रहेंगे, आप कह रहे हैं ट्रैफिक अहलकार हैं, तो ट्रैफिक अहलकार ही फरमान किया है कि सड़कों पर धंधा ना लगे। नहीं नहीं, तो इस तरीके से एक रमज़ान में एक ऐसा महीना आता है जिसमें लोगों को रोज़ा रखना रहता है और अफ्तारी वगैरह ख़ास तौर पर रमज़ान में ख़रीदी जाती है, लोग फ्रूट ख़रीदते हैं, लोग और सारी चीज़ें ख़रीदते हैं, हर महीने की तरह ये महीना नहीं है ना, तो इस महीने में थोड़ा ट्रैफिक अहलकार को भी अपनी मेहनत दिखानी पड़ेगी। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो है सड़कों पर धंधा लगना चाहिए, तो आप क्यों सड़कों पर धंधा लगवाना चाह रहे हैं, कि आप किसी को फ़ायदा पहुँचाना चाह रहे हैं? किसी को नहीं फ़ायदा, देखो हर इंसान फ़ायदा ले और हर इंसान अपने बीवी बच्चों को पाले, ये तो सारे लोग चाहते हैं। अगर ये महीना है एक यहाँ सड़कों पे धंधा नहीं लगेगा, तो दूर दूर से लोग कहाँ रोज़ा रख करके कितनी दूर जाएंगे अफ्तारी ख़रीदने के लिए? आज हम असर की नमाज़ पढ़ करके जब घर निकलना चाहते हैं तो ये चाहते हैं कि भाई चलो अफ्तारी ले लें। अब हम यहाँ से जाएँ मित्तल ग्राउंड अफ्तारी लेने के लिए, उसके बाद फिर वहाँ जाएँ ये शिमला पार्क या शिबली नगर वहाँ जाएँ, तो जाते जाते ही अफ्तारी का टाइम हो जाएगा। गवर्नमेंट को चाहिए, पुलिस अहलकार को चाहिए और कमिश्नर को चाहिए, म्यूनसिपालिटी के जो अहलकार हैं उनको चाहिए कि रोड पे जिस तरह हर साल लगता था, हर साल लोग धंधा करते थे ना, हर साल उनकी रोटी रोजी चलती थी, एक बैग इस साल रोटी रोजी बंद हो जाएगी, तो क्या ऐसा हमेशा ही रहेगा क्या? लेकिन बार बार सवाल पुलिस प्रशासन TMC यही उठा रही है कि अगर सड़कों पर धंधा लगेगा तो ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा होगी, और अगर ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हुई और आपके कहने पर सड़कों पर धंधा लगा, तो आप ट्रैफिक को संभालने के लिए क्या कदम उठाएंगे? ट्रैफिक देखो, ये कोई पहली बार तो धंधा लगेगा नहीं, आज 50 साल से रोडों पे लोग धंधा करते आए हैं, रमज़ान में बाकड़ा लगाते। आप भिंडी बाज़ार गए हुए हैं? आप भिंडी बाज़ार जय जय हॉस्पिटल से आप जाइए वहाँ और दूर तक भिंडी बाज़ार और क्राफ्ट मार्केट तक दोनों तरफ दुकानें लगती हैं, दूर दूर से लोग आकर के ख़रीदारी करते हैं, मुसलमान वहाँ ज़्यादा तादाद में है, इसी रमज़ान की वजह से मुसलमान वहाँ पर अपनी रोटी रोजी कमाते हैं। मुमरा के भी लोग यही चाह रहे हैं ना, अभी उनका धंधा बंद करा दिया गया, वो कहाँ जाके धंधा लगाएंगे? कोई चीज़ ये म्यूनसिपालिटी ने तो मित्तल में कहा है ना लगाने के लिए, कहा है कि बना के दिया है, कहने से होता है? TMC पहले बना करके दे दे और कहे भाई देखो एकदम सिस्टमेटिक तौर से अब यहाँ पे ये काम होगा, और फिर ऐसा नहीं फिर रोड पे धंधा ना लगाया जाए। तो मौलाना साहब एक बात बताइए, आज दूसरा रमज़ान ख़त्म हो गया है और ये पुलिस की तरफ से मीटिंग ली गई थी, उसी मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि किसी भी दुकानदार को सड़क के किनारे नहीं लगाने दिया जाएगा, तो अभी तक आप लोग खामोश क्यों थे, क्यों नहीं इस पर खुलकर उसी समय जो है पुलिस से और TMC से मिलकर इसका मसला हल किया आप लोगों ने? देखो रोड पे धंधा कोई उस दिन पुलिस सिर्फ नहीं बोली थी कि नहीं लगाने दिया जाएगा, वो तो हमेशा पुलिस लगी ही रहती कि रोड पे लोग धंधा ना लगाएं, लेकिन अब इतनी सख्ती हो रही है। पुलिस ने साफ कहा था कि हम रमज़ान के महीने में सड़क के किनारे धंधा नहीं लगाने देंगे। अगर पुलिस ने कहा था धंधा नहीं लगाने देंगे, तो क्या पुलिस की हर बात जो है बिल्कुल कानून के हिसाब में होती है, कानून के दायरे ही में होती है? ये जो गरीब हैं उनका क्या है? पुलिस क्यों नहीं कही कि हम ये जो लोग यहाँ पे रोड पे धंधा लगाते हैं उनको पहले इंतज़ाम करके देंगे, उसके बाद हम धंधा नहीं लगाने देंगे? अब यहाँ हम लोगों के पास लोग आके कहते हैं ना कि हमारा रमज़ान ख़राब हो रहा है, हमारी ईद नहीं होएगी, हमारे बच्चे नहीं खाएंगे, तो हम लोगों को भी तो थोड़ी तकलीफ़ होती है। हमको कायदे कानून से हम इंशाल्लाह पालक मंत्री के पास जाएंगे, अपने आमदार के पास जाएंगे, खासदार के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि ये एक महीना है, ये मुबारक महीना है, इसमें ना परेशान किया जाए गरीबों को और थोड़ा इनके लिए सहूलत पैदा की जाए। आप कह रहे हैं आमदार के पास जाएंगे, खासदार के पास जाएंगे, आपके यहाँ पर शहर में भी प्रतिनिधि है, उनको भी मालूम है कि नहीं लगाने दिया जाएगा, तो आपके प्रतिनिधि खुद नहीं आए सामने, क्या कहेंगे आप उनको? तो वो नहीं आए तो मैं तो उसका जिम्मेदार हूँ नहीं, वो तो उनको सोचना चाहिए, उनका शहर है, उनके लोग हैं, उनको भी तो ख्याल करना चाहिए, हमारा अगर आप ये बोल रहे हैं तो आप भी शहर के जिम्मेदार हैं, आप क्यों नहीं उनसे मिले? हम तो मिल रहे हैं ना, हम तो आपसे बात कर रहे हैं। नहीं, उनसे प्रतिनिधियों को भी आप अपने साथ में लेकर जाना चाहिए ना, हमारी जिम्मेदारी है, हम सबको लेकर के जाएं, उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, उनको भी तो आना चाहिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और अपने पब्लिक के लिए उनको निकलना चाहिए कि हमारी पब्लिक परेशान है, हम निकल करके इनकी परेशानी को दूर करें,
हमको क्या लेना देना है। हमारे सामने जो चीज़ आती है, हम तो हर इंसान के लिए, हमारी जमीयत उलमा जो है इंसानी कदरदान है, इंसानियत की कदर करती है। कोई भी परेशान होगा हम उसकी परेशानी में खड़े होंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। आप क्या चाहते हैं कि फिर से सड़कों पर धंधा लगे, और इसकी शिकायत लेकर आप कहाँ कहाँ जाने वाले हैं? फिर से सड़कों पर धंधा लगे ये एक अलग चीज़ है। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है, हर महीना नहीं लगता है धंधा ये, और हर 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 दिन रमज़ान नहीं होता है। साल में एक बार रमज़ान आता है और इसमें लोग रोज़ा रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, और एक बड़ी हमारी ईद आती है जो एक ही ईद हमारे यहाँ है, उस ईद की तैयारी करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये महीना जो है, इस महीने के अंदर लोगों को चैन सुकून से धंधा करने दिया जाए और पुलिस एहलकार ट्रैफिक ऐसा निज़ाम बनाए ताकि ट्रैफिक भी ना हो, ना लोग एकदम रोड पे रहें, और ना वो धंधा भी उनका बंद ना हो, ना रोड पे रहें और ना अपनी दुकान बंद करके रखें। बाकी किनारे रोड के दुकानें तो खुली हुई हैं ना, दुकानें कहाँ बंद है, खुली हुई हैं है। जो अफतारी की जो दुकानें हैं कहाँ खुली हुई हैं, अफतारी जो दुकानें हैं कहाँ लेते हैं बेचारे, इधर उधर जाते हैं, कोई मित्तल ग्राउंड जाता है, कोई धंधा, कोई मित्तल में तो लगा ही नहीं है, नहीं वहाँ जाते हैं पाते नहीं हैं। फिर यहाँ जो लोग अफतारी बनाते थे वो उनको लगाने नहीं दिया जा रहा है। सिस्टम जो है कौन बनाता है, प्रतिनिधि जो गवर्नमेंट के एहलकार हैं, म्यूनसिपाल्टी के जो नुमाइंदे हैं, म्यूनसिपाल्टी के जो एहलकार हैं वो सिस्टम बनाते हैं। उनको रमज़ान से पहले सिस्टम बनाना चाहिए और उसके बाद ऐलान करना चाहिए कि यहाँ आपके लिए सिस्टम बना दिया गया है, आप अपनी अफतारी यहाँ बेचिए, आप अपने कपड़े की दुकान यहाँ लगाइए और रोड पर आप मत लगाइए। जब उनके पास कुछ है ही नहीं है तो कहाँ है। आप अपना छपरा बढ़ाने के लिए सारे हॉकरों को साथ में लेकर चल रहे हैं कि अगर वो लगा लेंगे तो आपका भी छपरा बढ़ जाएगा। हमारा छपरा बढ़ने जरूरत, हमको जरूरत ही नहीं छपरा बढ़ाने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र हमारा ऐसे चल रहा है। मसला है मुमरा कोसा के लोगों का जो तकलीफ में है, हम उनके लिए बात कर रहे हैं। क्या मुसलमान ने धंधा नहीं कर सकते इधर? अभी मेरी बात सुनो, अभी नवरात्रि आने वाली है टेमी नाके के ऊपर, 10 दिन वहाँ बाकायदा रोड बंद कर दिया जाता है, ट्रैफिक डाइवर्ट करती है, तो उसका क्या? लेकिन अभी रमज़ान पूरा एक महीने का है तो, और लगातार टीएमसी और पुलिस प्रशासन का कहना कि हम ट्रैफिक के मद्देनज़र ये कदम उठा रहे हैं, ट्रैफिक नहीं, और लेकिन अगर आप लोगों को तकलीफ़ हो रही है, मैं फिर वही कहूँगा, आप लोगों को अगर तकलीफ़ हो रही है और अगर ऐसे में आप लोगों ने सड़क पर अगर धंधा लगवाया और ट्रैफिक की स्थिति पैदा हुई, तो आप लोग क्या खुद ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे या क्या उसके लिए कदम उठाएंगे? भाजन एक महीने पहले आप मुमरा में थे क्या, नहीं थे? थे क्या मुमरा में? मुमरा में नया सीनियर आया ट्रैफिक का, अल्हम्दुलिल्लाह उनके वजह से कम मस्जिद का ट्रैफिक कंट्रोल में आ चुका है। अभी ऐसा कोई मसला नहीं मुमरा के अंदर, अभी कोई नया कोई ट्रैफिक मुमरा में नहीं आ रही है, सिर्फ लोकल ट्रैफिक है। इसको इशू बनाकर लोग क्या कर, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो हम पालक मंत्री के पास जाकर हम इसकी हमारी मांग करेंगे कि मुसलमान पे जुल्म हो रहा है, ये जाति कर रहे हैं। मुमरा कोसा मुसलमानों का शहर है, उस पर जानबूझकर लगाने नहीं दे रहे। यानी आप ये कहने के सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से आप ये नहीं लगाने दे रहे? सही बात, और क्या दूसरा क्या, आप बोलो ना, आपकी क्या राय इस बारे में? आप बताइए, मैं राय आपकी पूछ रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, मेरी राय, हम मुसलमान है, इसके धंधा करने नहीं दे रहे। तो आप वहाँ ट्रैफिक कितनी लगती है इधर ट्रैफिक के? अभी जब से अभी नया ट्रैफिक सीनियर आया है उसके आप 80% मुमरा में ट्रैफिक कंट्रोल हो चुका है, रोड चौड़ा हो चुका है। अभी और क्या चाहिए? मुमरा कोसे में जो हमने चुनकर लेके आए जितने प्रतिनिधि है सब मुसलमान है अक्सरियत, उन लोग कहाँ सो गए, क्या कहाँ गए लोग? ये तो उनका काम था, उनका हक है ना। एब्सोल्युटली राइट, अगर वो सही रहते तो हम कुछ नहीं जाएंगे बालक मंत्री के पास बोलने के लिए। आप आवाज़ साहब के इतने करीबी हैं तो क्यों नहीं आपने उनसे कहकर जो ये काम करवा लिया? देखो मेरी बात सुनो, ये देखो उनकी जिम्मेदारी है रमज़ान का महीना आने वाला है। सिर्फ यही नहीं कि रमज़ान का महीना आने के बाद लोग खाली धंधा बंद करने का, इनको सहूलत दो। जो वो मित्तल ग्राउंड मार्केट है वो बड़ा स्कैम है, उस पर इंक्वायरी लगाओ क्या कौन क्या कर रहा करके। 7 लाख रुपया 8 लाख रुपया कहाँ खर्चा हो रहा है, पैसा किसको दिया जा रहा है, वो पूछो कौन किसी का कौन ले रहा है करके, पैसा कहाँ से आ रहा है। देखो मेरी बात, सबसे बड़ा मसला है ना ये, कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये सबसे बड़ा मसला मुसलमान कहाँ जाए, मुसलमान जाए किधर, धंधा नहीं करने का क्या, बोलो क्या करने का बताओ, आप लोग बताओ ना क्या करने का, कैसे मुसलमान करेंगे फिर विदाउट द हेल्प, जिसका 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 पेट भरा है तो घर में सो रहे।
भूखे क्या करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि जो जमीयतुल उलमा हिंद के जो सदर हैं वो और उनका कहना है जो इफ्तार बेचते हैं जो धंधा लगाते हैं उन्हें रोड के किनारे लगाने की अनुमति मांगने के लिए वो पालक मंत्री से मुलाकात करेंगे और इसके लिए जो वो पुलिस विभाग से भी संपर्क करेंगे कि आखिर क्यों नहीं उन्हें सड़क के किनारे धंधा लगाने दिया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इनकी बातों पर कितना अमल होता है और क्या वाकई में पुलिस प्रशासन और TMC सड़क के किनारे धंधा लगाने की अनुमति देगी या नहीं। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम, मुमरा।